प्राणायाम के तीन भेद हैं, रेचक पूरक और कुंभक हैं। एक छिद्र नासिका का दबाए उदर की वायु को बाहर निकाले, ये क्रिया रेचक कहलाए। फिर दूसरी नासिका को दबाए वायु को फिर अंदर भरते, इस क्रिया को पूरक कहते। वायु अंदर रोकी जाती ये क्रिया कुंभक कहलाती। प्राणायाम के चार भेद होते, कनिष्ठ को प्रथम उद्घात कहते, मध्यम द्वितीय उद्घात है, उत्तम तृतीय उद्घात है, सर्वोत्तम चौथा कहलाता। श्वेत कंपादि का जनक होता, प्रथम में बारह मात्राएं, द्वितीय में चौबीस मात्राएं, तृतीय में छत्तीस मात्रा है, एक चुटकी में एक मात्रा है। चौथे उद्घात के लक्षण है ये, आनंद जनित रोमांच है ये, नेत्रों से अश्रुपात जल्प है, भ्रांति और मूर्छा भाव है। प्राणायाम के भेद दो, अगर्भ और सगर्भ, जप और ध्यान के बिना कहलाता अगर्भ। जो सगर्भ प्राणायाम है अगर्भ से सौ गुना श्रेष्ठ है, इसीलिए योगी जन होते सगर्भ प्राणायाम किया करते। प्राण अपान समान उदान, नाग कुम्र ककल व्यान, धनंजय और देव दत्त है, प्राण वायु ये ही बस दस है। ये प्राण प्रयाण करता, इसीलिए यह प्राण कहाता। जो भी भोजन है किया जाता, जो वायु से नीचे लाता, उस वायु को अपान कहते। प्राण अपान ये दोनों होते, जो सारे अंगों को बढ़ाए वही वायु व्यान है कहाए। उत्तेजित करे मर्म स्थान को, कहे उदान उस वायु को, सब अंगों को संभाव ले जाए, वही वायु समान कहाए। मुख से उगलने में कारण जो है, उस वायु को नाग कहा है। आंख खोलने के व्यापार में कुम्र वायु की स्थिति उसमें। जम्भाई में देव दत्त है, छीक में क्रकल है, पूरे तन में व्याप्त जो धनंजय वायु है। धनंजय जो वायु है होती, मृतक तन को भी नहीं छोड़ती। प्राणायाम जब पूर्ण हो जाता, सारे दोष दग्ध कर देता। जब प्राणों पे विजय मिल जाए, तन में ये लक्षण आ जाए। विष्ठा मूत्र की मात्रा घटती, भोजन करने की शक्ति बढ़ती, और फिर सांस विलंब से चलती, तन में एक स्फूर्ति बढ़ती, तन में हल्कापन आ जाता, हृदय में उत्साह बढ़ जाता, सब रोगों का नाश हो जाता, स्वर में मीठापन आ जाता, बलवा तेज की वृद्धि होती, धरती में था स्थिरता आती, सौंदर्य की वृद्धि होती,
युवापन और प्रसन्नता आती, यज्ञ दान तप और व्रत है, प्राश्चित आदि जो साधन है। प्राणायाम के सोलहवीं कला के नहीं बराबर हैं ये उसके, विषयों से इंद्रियों को हटाता, अपने भीतर निग्रहित करता, इंद्रियों को वश में रखना प्रत्याहार कहलाए। इंद्रियां नरक दिखाती हैं, स्वर्ग में ये ले जाए। चित शिव में जो स्थिर करते, इसे संक्षेप में धारणा कहते, विक्षेप रहित जो चित रहता है, शिव चिंतन उससे होता है। ध्येय कार्य वृत्ति बनी रहती है, दूसरी वृत्ति नहीं आती है, शिव ही सबके परम ध्येय है, अथर्व वेद श्रुति निर्णय है। शिव और शिवा ही सब में व्याप्त है, श्रुति स्मृति शास्त्रों में है, सर्व व्यापक और सर्वज्ञ है, वही ध्यान करने के योग्य है, उनका ध्यान ही करना चाहिए। इसके दो प्रयोजन जानिए, मोक्ष प्राप्त करना प्रथम है, सिद्धि प्राप्त करना द्वितीय है। ध्याता ध्यान ध्येय ध्यान प्रयोजन, इनको समझे जो योगी जन, ज्ञान वैराग्य से संपन्न होता, श्रद्धालु उत्साही होता, ममता रहित क्षमाशील होता, ऐसा पुरुष ध्याता कहलाता। जब से थक जाए ध्यान कर ले, ध्यान से थक जाए तो जप कर ले। बारह प्राणायामों की एक धारणा है, बारह धारणाओं का एक ही ध्यान है। बारह ध्यान की एक समाधि है, यही योग का अंतिम अंग है। ध्यान में जब बस दे ही बासता, जब ध्याता स्थिर हो जाता, ध्यान रूप में शून्य से होते, उसी अवस्था को समाधि कहते। फिर नहीं सुनता नहीं सूंघता, ना ही बोलता ना ही देखता, ना स्पर्श का अनुभव रखता, ना अभिमान का उदय ही होता, बुद्धि से कुछ नहीं समझता, काष्ठ की भांति स्थिर रहता, वही समाधिस्थ है कहा जाता, सब संकट उसका मिट जाता। योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिव शिवा के ध्यान की महिमा। आलस्य तीक्ष्ण व्याधियां हैं, स्थान संशय और प्रमाद है, अश्रद्धा भ्रांति और दर्शन है, दुख दौम्र नस्य और विषय है। दसवान व स्थिति चित्तता है, योग का विघ्न इन्हें कहा गया है। विषम वात पित्त कफ जब होते, तभी दोष उत्पन्न है होते, इन दोषों को व्याधि कहते, कर्म दोष से उत्पन्न होते, असावधानी से योग न होता, इसको ही प्रमाद कहा जाता। यह है या नहीं है ये भावना, स्थान संशय इसको मानना, मन जब कहीं स्थिर नहीं होता, वो होती अनवस्थित चित्तता। भाव रहित मन की वृत्ति को अश्रद्धा कहते हैं उसको,
जब बुद्धि विपरीत है होती, वही भ्रांति है कही जाती। कष्ट को ही है सब दुख कहते, इसके तीन प्रकार हैं होते, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, और तीसरा आदि दैविक। चित्त की अज्ञानता का दुख आध्यात्मिक होता, आदि भौतिक दुख पूर्व कर्मों का फल है होता। विद्युत पाद अस्त्र शस्त्र आदि से, और कष्ट हो विष आदि से, ऐसा दुख जो भी होता है आदि दैविक कहलाता है। इच्छा पर आघात पहुंचाता, मन में तब जो क्षोभ होता, उसका नाम दम्र नस्य है। विचित्र विषयों में जो सुख भ्रम है, यही भ्रम जब हो जाता है, विषय लोलुपता कहलाता है। जब ये विघ्न शांत हो जाते, दिव्य उपसर्ग प्राप्त होते, प्रतिभा दर्शन और वार्ता है, श्रवण आस्वाद और वेदना है, छह प्रकार की सिद्धियां ये होती, यही है उपसर्गे कहाती। जो पदार्थ अति सूक्ष्म होता, या फिर किसी की ओट में होता, पूर्व हुआ या आगे होना, उसका ज्ञान ठीक हो जाना। ऐसा जो प्रतिभास होता, ऐसा ज्ञान प्रतिभा कहाता, प्रयत्न पर सब सुनाई देता, उसको ही श्रवण कहा जाता। सब देहधारियों की बात जब समझ में आ जाए, ऐसी स्थिति ही तो बस वार्ता कहलाए। दिव्य पदार्थ दिखाई देते, उस स्थिति को दर्शन कहते, दिव्य रसों का स्वाद जो पाए, वह स्थिति आस्वाद कहाए। अंतःकरण दिव्य स्पर्शिका, ब्रह्म लोक तक के दिव्य भोगों का, अंतःकरण जब अनुभव करता, उसका नाम वेदना होता। सिद्ध योगी जो भी होते, रत्न वहां पर स्वयं ही आते, मुख से मधुर वाणी ही निकलती, दिव्य औषधियां सिद्ध होती। योग सिद्धि के एक देश का, साक्षात्कार हो जाए उसका, मेरा अनुभव यह कहता है, मोक्ष में फिर मन लग जाता है। कृशता स्थूलता बाल्यावस्था, वृद्धावस्था युवा अवस्था, पृथ्वी अग्नि जलवायु का, तन को धारण करना इनका, अपार्थिव व मनोहर गंध को, और नित्य ग्रहण करना इसको। ये जो आठ गुण बताए गए हैं, ये पार्थिव ऐश्वर्य के हैं। जल में रहना पृथ्वी पर, जल का निकल आना, और समुद्र को भी पीने में समर्थ हो जाना। कहीं भी जल का दर्शन होना, हाथ में ही जल धारण करना, जो खाने की इच्छा होना, वह तत्काल सरस हो जाना।
वायु जल और तेज के तन को धारण करना स्वस्थ इसको। ये गुण जलीय ऐश्वर्य के आठ थे पार्थिव ऐश्वर्य के। तन से अग्नि प्रकट करना जलने का भय दूर हो जाना। जग को जलाने की शक्ति होना जल पे आग स्थापित करना। हाथ पे आग धारण करना शिष्य जलाने की क्षमता रखना। फिर उसको ज्यों का त्यों करना अन्न को मुख में ही पचा लेना। तेज वायु से ही तन को रचना इस प्रकार 24 गुण होना। ये है तेजस ऐश्वर्य के अब सुनो वायु ऐश्वर्य के। मन के समान वेग होना प्राणियों में प्रवेश कर जाना। पर्वत उठाने की क्षमता रखना स्वयं अत्यंत भारी होना। हल्का होना हाथ में वायु पकड़ लेना। अंगुली के अग्र भाग से भूमि कंपा देना। एकमात्र वायु तत्व से ही तन निर्माण करना उससे भी। ये चारों के गुण जो होते कुल मिला के 32 होते। शरीर की छाया का न होना नहीं दिखाई इंद्रियां देना। कहीं भी चाहे विचरण करना इंद्रिय विषयों का समन्वय होना। आकाश को भी लांघ जाना अपने तन में निवेश करना। आकाश को भी ठोस बनाना और स्वयं निराकार होना। ये 40 जो गुण हैं होते वायु ऐश्वर्य के होते। जहाँ चाहे वहाँ पर चले जाना सबको अभिभूत कर लेना। गुह अर्थ का दर्शन होना कर्म के अनुरूप निर्माण करना। अपने वश में सबको रखना सदा प्रिय वस्तु को देखना। एक जगह ही खड़े हो करके सारे संसार को देख सकते। चांद्रमस ऐश्वर्य जो होता 48 गुणों से युक्त होता। छेदना पीटना बांधना और खोलना है जग के वश जो प्राणी है ग्रहण उन्हें करना है। सबको प्रसन्न रखना पाना और मृत्यु को जीतना। और काल पर भी जो विजयी है ये सब अहंकार ऐश्वर्य है। इसे प्रजापत्य भी कहते हैं। कुल गुण मिला के 56 होते हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि करना पालन और संहार करना। सब पर अपना अधिकार करना प्राणियों का चित्त प्रेरित करना। और सबसे अनुपम होना नए संसार को रच लेना। शुभ को भी अशुभ कर देना और अशुभ को शुभ कर देना। इसके गुण हैं 64 होते बौद्ध या ब्रह्म ऐश्वर्य कहते। इससे भी जो उत्कृष्ट होता वह वैष्णव ऐश्वर्य होता। उसका वर्णन नहीं कर सकते ब्रह्मा जी भी कह नहीं सकते। यही ऐश्वर्य पौरुष पद है इसे उत्कृष्ट गणपति पद है। इसी को ईश्वर पद भी कहते।
केवल विष्णु जी ही जानते। सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक ही हैं, परम वैराग्य प्रयत्न से इन्हें रोकना है। यदि चितिन में आसक्त होता, निर्भय ऐश्वर्य नहीं मिलता। देव असुर और राजाओं के गुणवा भोग जो त्याग देन के, योग सिद्धि उसको मिलती है, मोक्ष प्राप्ति उसे होती है। शुभ काल हो और शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत कोलाहल से दूर हो, बाधा की संभावना ना हो, वहाँ भूमि को सुवासित करके उसके ऊपर फूल बखेर के, चंदोवा आदि को फिर तान कर, विचित्र रीति से उसे सजा कर, वहाँ पुष्प कुश समिधा जल की और सुविधा हो मूल व फल की, फिर वहाँ योग अभ्यास करना। पर एक बात का ध्यान रखना, अग्नि और जल के पास नहीं करना चाहिए अभ्यास। जहाँ डांस और मच्छर भरे हो, हिंसक जंतु और सांप हो, भय की संभावना जहाँ हो, दुष्टों से जो जगह घिरी हो। शमशान में चैत्य वृक्ष के नीचे नहीं करना, नदी नद और समुद्र के तट पर नहीं करना। जीर्ण शीर्ण घर में, गली सड़क के उजड़े उद्यान में, तन में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार जब आती हो, विस्था मूत्र से तन दूषित हो, सर्दी या अतिसार रोग हो, जब ज्यादा भोजन कर लिया हो, या परिश्रम से तन थक गया हो, मनुष्य चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूखा अथवा प्यासा हो, गुरुजन के कार्य में लगा हो, इन परिस्थितियों में जो भी हो, उसको ध्यान ये रखना चाहिए, योगाभ्यास न करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित हो, कर्मों में समुचित चेष्टा हो, समय से सोता और जगता हो, एवं सर्वथा आश्रित हो, उसी को अभ्यास करना चाहिए। आसन अच्छा होना चाहिए, सुंदर मुलायम और विस्तृत हो, पवित्र बराबर सपोर से हो, पद्मासन और स्वस्तिक आसन और जो भी योगिक आसन। गर्दन मस्तक और छाती तीनों सीध में हो, होंठ और नेत्र दोनों ही
अधिक सटे न हो। सिर कुछ कुछ ऊंचा ही रखें, दांता आपस में स्पर्श ना करें, दोनों भुजाओं को सामने रखें, जीभ को अग्रभाग में रखें, बाएं हाथ पर दाएं को रखें, हथेलियां दोनों की ऊपर रखें, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर फिर नहीं देखें और कहीं पर, प्राणों का संचार रोक कर पाषाण जैसे निश्चल होकर, हृदय में कमलासन सजाएं, शिवा शिवा को उस पे बिठाएं, मूलाधार में और नाभि में और नासिका के अग्रभाग में, तालु के दोनों छिद्रों में और भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में और ललाट में, पूजन चिंतन करें सभी में, द्विदल और चतुर्दल षड्दल दश दल द्वादश या षोडश दल, कमलासन पर विराजमान कर शिव का स्मरण विधि से फिर कर, दोनों भौहों के मध्य में द्विदल कमल है स्थित उनमें, ये कमल विद्युत समान है प्रकाशमान, दक्षिण उत्तर में दो पात है अति दीप्तिमान। उनमें दो अंतिम वर्ण है, हा और क्ष दोनों अंकित हैं, षोडश दल के जो पत्ते हैं, आ से आ तक सोलह रूप हैं, इसके मूल जो द्वादश दल है, का से ठा बारह अक्षर हैं, सूर्य जैसे प्रकाशमान, हृदय में करो इनका ध्यान, फिर दस दल गौदुग्ध समान, उनका करना चाहिए ध्यान, दासे फातक के अक्षर हैं, इससे नीचे जो कमल है, बासे ले तक के अक्षर हैं, अंगार जैसे धूम रहित हैं, मूलाधार में जो कमल है, वासे सातक के अक्षर हैं, जहाँ भी अपना मन रम जाए, शिव का शिवा का ध्यान लगाए, उनका स्वरूप अंगूठे समान, निर्मल और दीप्तिमान, अथवा जैसे दीप शिखा है, कमल नाल के सूत जैसा है, अथवा उसके कण जैसा है, सब तत्वों पे विजय पाता है, साधक जिस तत्व पर भी अपनी विजय चाहे, उस तत्व के अधिपति की मूर्ति का चिंतन करे। आठ मूर्तियां हैं सदा शिव की, वे होती हैं तीन प्रकार की, प्रथम घोर जो चिंतन करता, शीघ्र पाप और रोग मिटाता, मिश्र मूर्तियां जो होती हैं चिरकाल में सिद्धि देती हैं, सौम्य मूर्ति के चिंतन से अधिक देर ना जल्दी उससे, मुक्ति और शांति मिलती, शुद्ध बुद्धि प्राप्त है होती, सभी सिद्धियां मिल जाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने,
अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। जो भी शिव का चिंतन करते वे तत्काल सिद्धि है पाते। कुछ स्थूल का चिंतन करते इससे चित्त को स्थिर रखते। और जब चित्त निश्चल हो जाता सूक्ष्म रूप में स्थिर होता। पहले ध्यान सब विषय होता है फिर वह निर्विषय हो जाता है। लेकिन कुछों का यह भी मत है ध्यान निर्विषय नहीं होता है। संतति प्रवाह बुद्धि की ही यही तो है ध्यान कहलाती। इसलिए निर्विषय बुद्धि जो होती निर्गुण ब्रह्म में प्रवर्त होती। इसलिए साविषय ध्यान जो होता साकार का अवलंबन करता। और निर्विषय ध्यान जो होता निराकार का अनुभव करता। साविषय और निर्विषय को सबीज निर्बीज कहते उनको। पहले साविषय ध्यान करिए फिर निर्विषय को करना चाहिए। प्रसाद दीप्ति शांति प्रशांति ये सिद्धियां प्राणायाम से आती। सब आपदाओं का मिटना शांति कहलाता। सब अज्ञान का नाश ही प्रशांति कहलाता। ज्ञान प्रकाश बाहर भीतर है उसका नाम ही दीप्ति है। बुद्धि की जो स्वस्थता है उसे प्रसाद कहा गया है। ज्ञान वैराग्य से जो संपन्न हो सदा शांत चित जो रहता हो। जिसकी बुद्धि श्रद्धालु हो और प्रसाद गुण से युक्त हो। जो भी ऐसा साधक होता वही ध्याता है कहलाता। शिव का चिंतन ही है ध्यान जिससे नर का है कल्याण। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो भी आलंबन है इसका। उसी को साधु दे कहते हैं स्वयं सदा शिव दे होते हैं। मोक्ष सुख का जो पूर्ण अनुभव है अणिमादि ऐश्वर्य है। ये ही साक्षात प्रयोजन है बिना ध्यान के ज्ञान नहीं है। बिना योग के ध्यान नहीं है फिर उसका कल्याण नहीं है। जिसके पास है ज्ञान व ध्यान उसका तो निश्चित कल्याण। जिनके पापों की गठरी सब जल जाती है उनकी बुद्धि ध्यान और ज्ञान में लगती है। जब अग्नि अति प्रज्वलित होती गीली भी लकड़ी है जल जाती। ऐसे ही ध्यान अग्नि है होती अशुभ व शुभ कर्मों को जलाती। जैसे छोटा दीपक होता महान अंधेरे को भी मिटाता। ऐसे ही थोड़ा योगा अभ्यास पाप का कर देता है विनाश। ज्ञान के जैसा कोई तीर्थ नहीं ध्यान के जैसा कोई तप नहीं। कोई यज्ञ नहीं ध्यान समान इसलिए करो सदा ही ध्यान। योगी जन जल के तीर्थों का मिट्टी पत्थर की मूर्तियों का। इनका आश्रय वे नहीं लेते आत्म भजन आत्म तीर्थ में रहते।
जैसे किसी अयोगी पुरुष को मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता उनको, उसी तरह से योगी जो होता ईश्वर का सूक्ष्म रूप देखता, अंतःकरण में ध्यान जो करते वे शिव को अति प्रिय होते, वह कर्म कांडी जो है वे शिव को नहीं अति प्रिय है। ज्ञान योग की साधना को जो उद्दत होता किसी कारण से बीच में यदि वो मर जाता, तब भी रुद्र लोक जाएगा वहाँ पर दिव्य सुख पाएगा, फिर योगी कुल में जन्मेगा फिर वह भव सागर से तरेगा। योग का जिज्ञासु भी होता वह जिस गति को है पा जाता, चाहे महायज्ञ कितने करता वह भी उस गति को नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता ब्राह्मण हो उनकी खूब पूजा फिर कर लो, उससे जो भी फल मिलता है योगी को भिक्षा देने से मिलता है। जो शिव योगियों की निंदा करते प्रलय काल तक नरक में रहते, जो भी उस निंदा को सुनता वह भी पाप का भागी होता। जो शिव योगियों की सेवा करते सुख भोगते शिवयोग को पाते, योगी पाप में लिप्त न होते जैसे कमल है जल में रहते। शिव योगी जिस देश में रहता वह देश भी पवित्र हो जाता, इसलिए सब विषय छोड़ कर शिव के योग में हो जाओ तत्पर। यदि मृत्यु को पास ही कोई जान ले शिव योग में संलग्न हो शिव का आश्रय ले, शिव क्षेत्र का जो आश्रय लेता वह भी तुरंत मुक्त हो जाता। जो इस क्षेत्र में प्राण त्यागता अन्यों की भांति न संस्कार होता, चाहे तन धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि में जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे या फिर उसको कहीं फेंक दे, यदि दान आदि कुछ कर ले शिव भक्तों को उसे तृप्त कर ले। वायुदेव का अंतर्धान, ऋषियों का सरस्वती में अवभ्रत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना, तब सूची ने आगे वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने उपमन्यु से ज्ञान योग को पाया, उनसे मुनियों को ये देकर ज्ञान, वायुदेव हुए अंतर ध्यान। तब ब्रह्मा का आदेश सुनकर सरस्वती प्रकट हुई वहाँ पर, मुनियों ने फिर स्नान किया देवता आदि का तर्पण किया, वाराणसी की ओर वे आए आगे भागीरथी में नहाए। इस प्रकार काशी में पहुँच कर उत्तर वाहिनी गंगा नहा कर अभिमुक्तेश्वर लिंग पर आकर विधि पूर्वक फिर पूजन कर उन्होंने वहां से चलना चाहा। तेज नजर आकाश में आया
बैठा करोड़ों सूर्य समान, उसकी प्रभा परम थी महान। जो पाशुपत मुनि भस्म लगाए, वे उस तेज में जाकर समाए। तब वह तेज अदृश्य हो गया, फिर मुनि बोले ये क्या हो गया। वे इस बात को समझ न पाए, तब वे मुनि ब्रह्म वन को आए। पवन देव मुनियों से ही पहले पहुंच गए, सारे हाल ब्रह्मा जी से आकर वहां कहे। पवन देव फिर चले गए थे, उनके पास तुम्रु नारद थे। नैमिषारण्य मुनि जब आए, द्वारपालों ने बाहर ठहराए। वहां संगीत गोष्ठी हो गई, नारद को तुम्रु की बराबरी मिल गई। तब वे दोनों मित्र हो गए, ब्रह्म भवन से बाहर आ गए। ऋषिगण वहां नारद को देख कर उनसे बोले फिर प्रणाम कर। ब्रह्मा से मिलने का समय बताओ, नारद बोले अभी चले आओ। द्वारपाल ब्रह्मा पर आए, ब्रह्मा जी ने मुनि बुलवाए। ब्रह्मा जी को शीश झुकाया, अपना सारा हाल बताया। दिव्य तेज की बातें सुनकर ब्रह्मा बोले प्रसन्न होकर, आपसे शिव जी अति प्रसन्न हैं, कृपा करने को वो उत्सुक हैं। आपने दिव्य तेज देखा था, वह तो साक्षात ज्योतिर्लिंग था। जैसे उन मुनियों को पाया, आपका भी अब समय है आया। अब जाओ तुम मेरु के दक्षिण शिखर पर, मेरे पुत्र सनत कुमार अन्य देव वहां पर। पूरब काल की बात बताओ, ध्यान पूर्वक सुनो सुनाओ। सनत कुमार अज्ञान में फंस गए, योगी शिरोमणि समझने लग गए। एक बार शिव सामने आए, सनत कुमार थे गर्व में छाए। शिव का उचित सम्मान न किया, नंदी ने उन्हें ऊंट बना दिया। मुझको भारी शोक हो गया, नंदी से बड़ा निवेदन है किया। ऊंट की योनि तब छुड़वाई, पूर्व रूप की प्राप्ति कराई। महादेव जी ने मुस्कुराकर नंदी से कहा पास बुलाकर। सनत कुमार को घमंड हुआ था, मेरा आदर नहीं किया था। शिष्य रूप में उसे अपनाओ, मेरे स्वरूप का ज्ञान कराओ। सनत्कार मेरी आज्ञा पाकर, तपस्या कर रहे मेरु शिखर पर। नंदी उन पर कृपा करेंगे, शीघ्र ही वे वहां पर आएंगे। पहले ही तुम वहां पर जाओ और अपना कल्याण कराओ। ब्रह्मा से आदेश पा मुनि तुरंत गए, मेरु के दक्षिणावर्ती शिखर पे पहुंच गए। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां पर आना और दृष्टिपात मात्र से
पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके वहां से चले जाना। शिव पुराण की महिमा तथा उपसंहार। वहां पर्वत पर एक सरोवर है, उसका नाम स्कंद सर है। उसका जल स्वादिष्ट शीतल है, स्वच्छ अगाध और हल्का है। उसके चारों ओर वृक्ष हैं, उसमें कुमुदुत पल्व कमल हैं। सुंदर सीढ़ियां और घाट हैं, सभी दिशाओं से अतिशोभित हैं। कितने ही मुनि नित्य हैं आते, जलवा फूल पूजा को लाते। इष्ट शिष्ट स्नान भी करते, सूर्य अर्घ्य और पूजन करते। उस सरोवर के उत्तर तट पर, शिला से बनी हुई वेदी पर, वहां कोमल मृग चर्म बिछा कर, सनत कुमार जी बैठे वहां पर। नैमिषारण्य के मुनि आए, सनत कुमार जी के दर्शन पाए। शीश झुका कर वहां बैठ गए, अपनी बात बताने लग गए। तभी नभ में किशोर हुआ था, एक विमान दिखाई दिया था। उसमें अप्सराएं रुद्र कन्या थी, मृदंग ढोल वीणा की ध्वनि थी। एक चंदोवा रत्न जड़ित उस पर तना हुआ, मोतियों की लड़ियों से वो था सजा हुआ। मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष व किन्नर, नाचते गाते जावे घेर कर। वृषभ चिन्ह की पताका उस पर, एक दिव्य सिंहासन वहां पर। सुयशा के संग नंदी बैठे, तीन नेत्र से अतिशोभित थे। वे तो साक्षात ही शिव हैं, त्रिशूल ही उनका आयुध है। विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं, शिव समान शक्तिशाली हैं। निग्रह अनुग्रह की शक्ति है, उनकी सुंदर चार भुजा है। नाग चंद्रमा उनको सोहते, साकार ऐश्वर्य से लगते। जब नंदी जी वहां पर आए, सनत कुमार प्रसन्न हो गए। शास्त्रांग प्रणाम है किया, छह ऋषियों का परिचय दिया। तब नंदी ने दृष्टि मात्र से पाश काट दिए तत्काल उनके। शैव धर्म ज्ञान उपदेश दिया, फिर वापिस प्रस्थान किया। सनत कुमार ने ज्ञान जो लिया, मेरे गुरु श्री व्यास को दिया। मेरे गुरु व्यास ने दिया ये मुझको ज्ञान। ज्ञान देने से पहले रखना बात ये ध्यान। वेदों में रुचि न रखता, जो शिष्य और भक्त न होता, या फिर जो कोई नास्तिक होता, या कोई शिव का निंदक होता, उनको यह उपदेश न देना। मेरी बात ध्यान में रखना, किसने इनको पढ़ा सुना है, क्या उपदेश दिया लिया है। उनको धर्म सुख त्रिवर्ग मिलता, और अंत में मोक्ष होता। मैंने आपने यहाँ जो किया, एक दूसरे का उपकार है किया। अब मैं सफल मनोरथ होके जा रहा हूँ अब यहाँ से। आशीर्वाद सूत जी से
पाकर आए वहां से यज्ञ पूर्ण कर विषय कलुषित कली काल आए काशी के आसपास रहने लग गए फिर पाशुपत अनुष्ठान किया परमानंद को प्राप्त किया व्यास जी सबको फिर समझाया इस पुराण का महत्व बताया आदर से इसे पढ़ना सुनना श्रद्धाहीन को नहीं सुनाना नास्तिक शठ पाखंडी को नहीं सुनाना है शिव भक्ति से हीन हो उसे न कहना है जो इसको पढ़ता सुनता है अपने पाप भस्म करता है भक्तिहीन है भक्ति पाता भक्त स्मृति का भागी होता जो दोबारा श्रवण करता तब वह उत्तम भक्ति पाता तीसरी बार जो इसको सुनता मुक्ति लाभ उसको मिल जाता किसी को उत्तम फल जो चाहिए पांच बार आवृत्ति करिए जो भी कहेगा और सुनेगा भोग मोक्ष दोनों पाएगा सात आवृत्ति जिसने की है उस पर शिव की कृपा हुई है यह श्रेष्ठ जो शिव पुराण है भगवान शिव को अति प्रिय है अपने प्रथम गणों के साथ दोनों पुत्रों शिवा के साथ इसके जो वक्ता श्रोता है शिव उनके कल्याण करता है हे महादेव ये कृपा करना दोनों का कल्याण करना जो इसको सुनता पढ़ता उसका होता कल्याण उस पर फिर कृपा करते हैं शंभु कृपा निधान वाल्मीकि संहिता संपूर्ण हुई भक्तों मानव का कल्याण करने वाला ये कल्याणकारी शिव पुराण संपूर्ण हुआ जय भोलेनाथ।